आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिसोदिया दिल्ली के कथित शराब घोटाले में फरवरी के अंत से ही जेल में बंद हैं। मंगलवार को मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें रखी और उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। आइए जानते हैं सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि आबकारी नीति का फैसला संस्थागत था और कई स्तरों पर यह फैसला लिया गया, कुछ भी सिसोदिया से प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा हुआ है, सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं, उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, विदेश भागने का कोई खतरा नहीं है, फिर भी उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। सिंघवी ने कहा, कीमतें बढ़ने पर ईडी का बयान गलत है, नीति के बाद ग्राहकों के लिए भी कीमतों में कमी आई। सिंघवी के माध्यम से सिसोदिया ने यह भी कहा कि नीति को पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया था और समितियों से सलाह भी ली गई थी और एलजी ने मंजूर किया था। सिंघवी ने आगे कहा, ये भी आरोप है कि याचिकाकर्ता ने इंडोस्पिरिट को लाइसेंस देने के लिए प्रोडक्ट शुल्क अधिकारियों पर दबाव डाला, जबकि इस आरोप को लेकर जांच एजेंसी के पास सबूत नहीं है। फाइल से पता चलता है कि उन्होंने नियम के मुताबिक ही काम करने का निर्देश दिया। एजेंसी का आरोप है कि आबकारी नीति धोखा देने के लिए बनाई गई, लेकिन इसे कई कमेटियों से विचार विमर्श करके बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी ये नहीं कह रही है कि पैसा आपके पास आया है, बल्कि उसका कहना है कि सिसोदिया के इन्वॉल्वमेंट में घोटाले का पैसा इधर उधर किया गया। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा, मेरे यानी सिसोदिया के खिलाफ लेन देन का कोई सबूत नहीं है। उनका कहना है कि कंपनी को फायदा हुआ और चूंकि इस नीति को मैंने बनाया जिसने कंपनी की मदद की, मैं शामिल हूँ, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच ने सिसोदिया की ओर से दायर की गई दो अलग अलग याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की। अलग अलग तारीखों पर ईडी और सीबीआई की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू और सिसोदिया के वकील सिंघवी से कई सवाल जवाब किए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।